So, hey guys, welcome back to another new video. This is the first food vlog on our channel. तो आज हम आए हैं फूड कोर्ट में, जिसका नाम है कोर्टयार्ड, जो कि नागपुर के सबसे बड़े फूड कोर्ट माना जा रहा है। और यहाँ पर गाइस काफी और आउटलेट्स दिए गए हैं, बहुत सारी डिशेस जो है जो हम इस एक ही जगह पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस लेकर चलते हैं आपको अंदर और देखते हैं कि ये प्लेस कैसी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगिंग स्टार। मैं हूँ अमोल पाटिल और आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल व्लॉगिंग स्टार में। तो आज हम हैं माटे स्क्वायर नागपुर में। यहाँ पे हम कुछ फूड ब्लॉग को एक्सप्लोर करने आए हैं। ये जगह है कोर्टयार्ड, जो कि माटे स्क्वायर पे आपको मिलेगी। इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चेक इट आउट। एंड चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कोर्टयार्ड को। तो एंटर करते ही हमें कुछ इस तरीके का लुक नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सारी चीज़ें यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज लग रही है और यहाँ के जो आउटलेट्स है वो भी कुछ काफ़ी फैंसी एंड अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को आउटलेट्स दिखाता हूँ और फिर हम बाकी सारी चीज़ें बाद में देखेंगे इस प्लेस की। तो चलिए हम आउटलेट्स भी दिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आउटलेट्स है जिसका नाम है अर्बन ग्रिल, जहाँ पर आपको मेनली शोरमा मिलेगा और भी काफ़ी सारे डिशेज यहाँ पर सर्व की जाती है। नेक्स्ट है द फ्राइंग पैन, यहाँ पे आपको कुछ नया मिलेगा जैसे कि फ्राइड आइसक्रीम, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आउटलेट है द हैदराबादी बिरयानी द फूड स्क्वाड, यहाँ पे आपको हैदराबाद का स्वाद मिलेगा जिसकी बिरयानी एंड अदर थिंग्स आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बिरयानी का शॉप है जिसका नाम है कबाब बिरयानी, यहाँ पे बिरयानी के साथ आपको कबाब भी मिलेगा। नेक्स्ट है श्री इंडियन डिलाइट्स, यहाँ पे आपको इंडियन थालीज मिलेगी जैसे कि दाल मखनी, ना चिकन एक्सेट्रा। तो आगे चलते हैं, आगे आपको दिखेगा द इटालियन जॉइंट, यहाँ पे मेनली आपको इटालियन फूड्स मिलेंगे। ये रही उसकी लिस्ट। और उसी के नेक्स्ट दिया गया है चाइनीज, जिसका नाम है टेम्पटेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारी चाइनीज डिशेस मिलेगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट आउटलेट है जिसका नाम है आई लव मोमोज, तो मोमोज लवर के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ के मोमोज मिलते हैं और इस शॉप की खासियत है यहाँ के नॉन वेज मोमोज। तो आप ये देख सकते हैं ये लिस्ट मोमोज के एंड प्राइस। तो गाइज आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मोमोज। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, ये है बिलिंग काउंटर, यहाँ पे 3 से 4 बिलिंग काउंटर्स है, पहले आप बिल ले। सामने हमें ये दिख रही है बड़ी सी स्क्रीन, जैसे कि आप यहाँ पे बैठ के स्क्रीन पे मैचेस इंजॉय कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई कीजिए और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत फूड कोर्ट का। तो अब हम आगे चलते हैं। तो एक बड़ा सा आउटलेट हमें मिला है, चलिए चलते हैं अंदर। अंदर चलते ही कुछ यहाँ पे अलग सी वाइब आ रही है, अंदर जाते ही ऐसा लग रहा है कि कैफे जैसा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जैसे कि डोनट्स, ब्राउनीज, पेस्ट्रीज, कपकेक्स एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसक्रीम शॉप, तो अगर आपको मीठा पसंद है तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, देखने को ये शॉप बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइंस दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है एक कैफ़े, जो कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉकटेल मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे कॉकटेल एंड कोल्ड ड्रिंक्स।
तो इस साइट की सभी आउटलेट्स मैंने आपको दिखा दी है। अब चलते हैं अपडेट साइट के आउटलेट्स पर। यह है बैक एंड साइट जहाँ पर आप बहुत बड़ी स्क्रीन देख सकते हैं और आनंद लूट सकते हैं मैचेस का। इस प्लेस का बैक एंड साइड व्यू जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप देख सकते हैं गाइस जो लुक है कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ से इस एंगल से आप फोटोज़ खींचोगे तो बहुत ही बढ़िया जो फोटोज़ है वो आपकी आएगी। तो अब जाएंगे हम इस वाली साइड पर और देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से आउटलेट्स है। इसी बैक साइड में आपको वॉश बेसिन भी मिलेगा और साथ में पहला मिलेगा चिक पग जहाँ पे आपको मिलेगी चिकन विंग्स और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर बाद में इसी को लग के दूसरा नेक्स्ट आउटलेट है देखेंगे हम, तो इसका नाम है डस एमिकोस जहाँ पे आपको टॉर्टाइस मिल जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें। और नेक्स्ट शॉप है यहाँ की फेमस जिसका नाम है द टर्नेडोज, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे फेमस है पैरी पैरी टर्नेडोज और यहाँ की कीमत भी काफ़ी सही है बाहर के मामले के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राइस एंड दी लिस्ट। फिर नेक्स्ट है पुष्पाई, यहाँ पे मिलेगा आपको पाव भाजी, पुलाव, छोले भटूरे, छोले कुलचे एंड एक्सेट्रा। तो हम आगे जाके वापस आएंगे और कुछ लेंगे यहाँ से। ये देख रहे हैं आप पाव भाजी बनते हुए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आएगा आउटलेट जिसका नाम है अंगत पंगत, ये लोकेशन इस नाम से भी जाना जाता है अंगत पंगत। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडियन डिशेस मिलेगी, अगर फैमिली के साथ आते हो तो ये जगह बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, तो ज़रूर आप यहाँ विजिट कीजिए एंड ट्राई कीजिए वेज थालीस। नेक्स्ट आउटलेट है द इंडियन लीफ, मेनली यहाँ पे आपको जो है नॉन वेज फूड्स मिल जाएंगे, तो नॉन वेजिटेरियन लोग यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वड़क्कम, नाम से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको साउथ इंडियन डिशेस मिलेगी जैसे कि ये मसाला डोसा एंड और भी कुछ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मराठी दुकान जिसका नाम है भूख लागली, पर जानना भूख लागली है त्यांनी येथे ठेवून ट्राई करावा आपल्या फॅमिली सोबत। नेक्स्ट शॉप है चाट चटोरी जहाँ पे पाणीपुरी लवर्स आ सकते हैं, यहाँ पे मिलता है पाणीपुरी, दहीपुरी, शेवपुरी एक्सेट्रा, तो आप यहाँ पे जरूर आइए और ट्राई कीजिए पाणीपुरी। नेक्स्ट शॉप मिलेगा हमें जिसका नाम है वेजी लुशियस, यहाँ पर आपको पनीर कुलचे मिलेंगे जो कि बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी शॉप को लग के है नेक्स्ट शॉप जिसका नाम है रजवाड़ी स्टोरी, यहाँ पे आपको राजस्थान की डिशेस मिलेंगी जैसे कि जयपुरी थाली, बीकानेरी थाली, रजवाड़ी थाली एक्सेट्रा। साथ में ही लग के नेक्स्ट शॉप है जिसका नाम है द हंगेरियन फूड, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रकार के सैंडविचेस मिलेंगे और एग रोल भी मिलेंगे, वेज नॉन वेज दोनों, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं सैंडविचेस जिसके आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट और लास्ट शॉप है फालूदा एंड शिकंजीज जहाँ के यहाँ पे आपको मिल सकती है बहुत सारी फालूदाज, कुल्फीज, ये देख रहे हैं आप मेन्यू कार्ड, बहुत ही अच्छे रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए फालूदा, आइसक्रीम, शेक्स, कुल्फी एक्सेट्रा।
फ्रेंड्स, आउटलेट्स तो आपको मैंने सारे दिखा दिए है। अब आपको दिखाते हैं सिटिंग एरिया, जो कि काफ़ी फैंसी एंड अट्रैक्टिव है। यहाँ बैठकर आपको बहुत ही बढ़िया फीलिंग आएगी। अगर आपको यहाँ आना हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप शाम के टाइम में आओ, क्योंकि शाम में ही यहाँ इस जगह पर पूरी लाइट्स अप हो जाती है। ओवरऑल सिटिंग एरिया देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और आप यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं, साथ फूड खा सकते हैं यहाँ पे बैठकर, क्योंकि सामने ही लगा हुआ है बड़ा सा स्क्रीन और उस पर आप मैच भी देख सकते हैं। और फैमिली के साथ आओगे अपने छोटे बच्चों के साथ तो यहाँ पे खिलौने लगे हुए हैं और बच्चे भी यहाँ पर मज़े लूट सकते हैं अच्छे तरीके से। तो गाइस, आपको ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही नए नए फूड व्लॉग देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आपके लिए हम नए नए फूड व्लॉग अब लेकर आएंगे। नागपुर में आकर यहाँ आना तो एक बार ज़रूर बनता है, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया प्लेस है। इसी के साथ नागपुर में और भी कुछ फूड कोर्ट्स है जो कि आगे मैं आपको दिखाऊँगा और जिनका लोकेशन एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। इस स्पॉट के सबसे बड़े फेमस स्पॉट पे जो कि टोर्नेडो है, शॉप दिख रहा हूँ। हमने मंगाए छोले भटूरे, रेडी हो रहे हैं हमारे छोले भटूरे। तो फिलहाल हम खड़े हैं पुष्पाई, यहाँ छोले भटूरे और छोले कुलचे, ये आप देख पा रहे हैं छोले कुलचे मेरे सामने। हमने ऑर्डर किए छोले भटूरे और यहाँ पे पाव भाजी भी फेमस है जैसे आप देख सकते हैं। ये मेन्यू कार्ड और उसके रेट्स। तो भैया, आपकी दुकान के ये क्या फेमस है? छोला भटूरा एंड पुलाव। अच्छा, पाव भाजी भी। तो नेक्स्ट फूड कोर्ट व्लॉग हम और लेके आएंगे, जैसे कि एपीके और फूड प्लाजा जो महेश नगर में, फूड गैलेक्सी जो कि सुयोग नगर में है, और चटोरी स्ट्रीट जो कि रामदास पेट में है। तो गाइस, कैसे लगा ओवरऑल ये फूड कोर्ट? इसका नाम है कोर्ट यार्ड, इसका लोकेशन है माटे स्क्वायर। तो गाइस, कुछ यहाँ पे हमें दोस्त मिले हैं तो पूछते हैं इनसे यहाँ पे क्या इनको पसंद आया। आपका एक एक करके नाम बताइए, इंट्रो दीजिए। मायसेल्फ यश। तो आपको यहाँ पे क्या कौन सी चीज पसंद आई खाने में? टोर्नेडो। वो सबसे बेस्ट था, अगर यहाँ पे आइएगा तो वो जरूर खाइएगा, ये मेरा पर्सनल आपको ये। हाँ, मैंने भी खा के देखा यहाँ पे पेरी पेरी, बहुत ही अच्छा था। तो चलिए मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलो, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू। तो गाइज, अभी हमने यहाँ पे ट्राई किया है पेरी पेरी टोर्नेडो, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा था। तो आप भी ज़रूर विजिट कीजिए कोर्टयार्ड जो कि माटे स्क्वायर पे है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, यानी
एंड शेयर कीजिए एंड हर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फूड व्लॉग में। चलो थैंक यू, बाय। I'm not the one who's running out of time.